कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब ईसाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि बेंगलुरु के एक स्कूल में बच्चों के माता पिता से ये वादा लिया जा रहा है कि वो अपने बच्चे को बाइबल के साथ ही स्कूल भेजेंगे। इस घटना के बाद एक बार फिर कर्नाटक में नया बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों का ये भी आरोप है कि स्कूल प्रशासन गैर ईसाई छात्रों को भी बाइबल पढ़ने पर मजबूर कर रहा है। स्कूल प्रबंधन के इस कदम के बाद कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध जताया है। आपको बता दें, मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में क्लेरेंस हाई स्कूल से जुड़ा है। जानकारी मिली है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से एक वचन लिया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को पवित्र पुस्तक बाइबल को स्कूल परिसर में ले जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे। स्कूल के नए दिशा निर्देश पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इसे कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन बताया है। वहीं हिंदू संगठन हिंदू जन जागृति समिति के राज्य प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने दावा किया है कि स्कूल गैर ईसाई छात्रों को भी बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। ये मामला सामने आने के बाद कर्नाटक में हिजाब के बाद स्कूलों में बाइबल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस स्कूल में एडमिशन एप्लीकेशन पर क्रमांक संख्या 11 में लिखा है कि आप पुष्टि करते हैं कि आपका बच्चा अपने स्वयं के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए मॉर्निंग असेंबली, स्क्रिप्चर क्लास और क्लबों सहित सभी कक्षाओं में भाग लेगा और बाइबल ले जाने पर आपत्ति नहीं करेगा। बता दें, दक्षिणपंथी समूह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिन्होंने इसे कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन बताया है। समूह का आरोप है कि छात्रों पर उनकी मर्जी के खिलाफ धार्मिक शिक्षा थोपी जा रही है। उन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वनडिया हिंदी के साथ।